नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। क्या आपको लगता है कुवैत की अच्छी न्यूज़ आने वाली है? मुझे नहीं लगता भाई। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैंने एविडेंस के तौर पे, आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कुवैत से रिलेटेड कमेंट के आंसर दिए। मैंने ये बात बोली है कि मुझे नहीं लगता 1 जनवरी से पहले कोई कुवैत सरकार ने वीज़ा स्टार्ट करेगी, मुझे नहीं लगता। जी हाँ, आज ये लिखित में अपडेट आया है सरकार की तरफ से, 3-4 अपडेट आए, पूरी डिटेल से बात करेंगे। भाई कुवैत का जो भी लफड़ा चल रहा है ना, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे बाहर हो, चाहे आप वीज़ा लेना चाह रहे हो, चाहे आप छुट्टी पे आए, पूरा डिटेल से इसी वीडियो में पूरा सार मैं दे दूंगा। जितना भी वीडियो 5-7-10 मिनट का हो भाई, पूरा देखना पड़ेगा, फिर कमेंट मत करना आप नीचे, क्योंकि पूरी बातें इसी वीडियो में लोग, आप पूरा देखते हो, 3 मिनट का देख लिया आगे छोड़ देते हो। अब हो सकता है वो आपके काम की वाली बातें आगे हो, लेकिन आप छोड़ देते हो, आपकी भी मजबूरी, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। फिर नीचे कमेंट करते हो, फिर व्हाट्सअप करते हो, आप रिप्लाई तो वीडियो में दे चुका, तो डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन गल्फ से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ 12 सितंबर 2020 की है, यानी लेटेस्ट न्यूज़ है, कोई पुरानी न्यूज़ नहीं है। इसमें सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। जी हाँ, रेजिडेंशियल मामलों के आंतरिक मंत्रालय की तरफ से न्यूज़ आई है, 4,25,000 के करीब लोगों के अभी तक वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। कब से लेके 23 अगस्त तक। जी हाँ साथियों, यानी अगस्त महीने तक 4,25,000 लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे आप पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल में कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे आप बैठे हैं कुवैत में। जी हाँ साथियों, यानी 4.5 लाख के करीब, इसको आंकड़े को हम मान सकते हैं, उनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। 4,26,681 लोग, ये कौन है मैं बता दूँ, ये लोग वो हैं इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली और मिस्री, इराक वाले भी हो सकते हैं, ईरान वाले भी हो सकते हैं। ये लोग छुट्टी आए थे अपने अपने कंट्रीज़ में, वापस नहीं जा पाए, इन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ये लोग भविष्य में कुवैत नहीं जा सकते। कान खोल के आराम से सुन लीजिए मेरी बात को, आपको कोई बोलता है कुछ भी, आप वीडियो में देखते हो, साफ साफ सरकार ने आंतरिक मंत्रालय आदेश दे दिया है कुवैत के सरकार की, भाई ये वीज़ा एक्सपायर वाले 4,26,700 के समथिंग जितने भी हैं, ये लोग कुवैत नहीं आ सकते, जिनके वीज़ा अपनी कंट्री में एक्सपायर हो गए, जैसे इंडिया में हो गए, आप लोग नहीं जा सकोगे। दूसरा अपडेट और सुन लीजिए भाई, जो आदमी कुवैत में इलीगल बैठे हैं, मान ले आपके पास वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप किसी भी रीज़न की वजह से कुवैत नहीं आ पा रहे थे, आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे कि कुवैत में 1,20,000 के करीब इलीगल वर्कर हैं, उनका क्या होगा? पहले सरकार ने ऑप्शन दिया था, उन्होंने आपका आउट पास भी लगवाया, उन्होंने आपका टिकट भी बना के दी, आप अपनी कंट्री चले जाएँ, लेकिन उस टाइम फ्लाइटें बंद थी, वंदे भारत मिशन स्टार्ट ही हुआ था, तो कुवैत की बहुत कम फ्लाइटें आ पाई, तो लोग नहीं आ पाए, मजबूरी रहेगी, कुछ भी मजबूरी रही होगी आपको लगा। लेकिन अभी सरकार ने एक ये विधेयक पास किया, उसमें ये बोला है कि 1 जनवरी 2020, जी हाँ, जिनके वीज़ा 1 जनवरी से तक, यानी पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, 1 जनवरी 2020 तक जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, जो इनलीगल कुवैत में रह रहे हैं, उनको देश छोड़ने का अधिकार होगा, बिना जुर्माना आप देश छोड़ सकते हैं, यानी कुवैत छोड़ के अपनी कंट्री आ सकते हैं बिना कोई जुर्माना दिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये भी 1 जनवरी 2020 वालों पर, उसके बाद में जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए उनके ऊपर अभी ये नियम लागू नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखें। अगर वो उनके बावजूद भी नहीं आते हैं, सरकार ने ऑप्शन दिया है, 1 जनवरी वाले अभी भी नहीं आएंगे, कुवैत को पकड़े रखेंगे वहाँ पे, तो आप आओगे, आपको जेल होगी, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा और आपको ब्लैकलिस्ट करके लाइफ टाइम के लिए कुवैत से बैन कर दिया जाएगा। ऐसा नया कानून जो बनने जा रहा है, उसमें यह बात बोली गई है। तो भाई सरकार ने बेहतरीन ऑप्शन दिया है, आप कुवैत छोड़ के आ सकते हैं, ताकि ब्लैकलिस्ट नहीं हो, दोबारा जाने के चांसेस बन सकते हैं। आगे सरकार ने साफ किया कि जब तक सरकार की एडवाइजरी जारी नहीं हो जाती, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यस की मोहर नहीं लग जाती, तब तक किसी भी देश के आप विजिट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कोई भी वीज़ा जारी नहीं कर सकते। हाँ, आप समझ सकते हैं कुवैत की सरकार, और ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ मेरे भाई, लगभग महीने से बोल रहा हूँ कि जनवरी से पहले मुझे नहीं लगता कोई वीज़ा स्टार्ट होगा। ये 9 महीना एंड हो रहा है, 2-3 महीने बचे हैं, तो 2-3 महीने मुझे नहीं लगता कुवैत सरकार वीज़ा चालू करेगी, तो ये वीज़ा जाएगा जनवरी तक चालू होंगे वीज़ा। और ये सरकार ने आज 12 सितंबर की रिपोर्ट में साफ साफ घोषणा कर दी कि भाई हम आपको एडवाइजरी जारी करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यस होगा तभी आप वीज़ा चालू करें, उससे पहले कोई भी वीज़ा चालू आप नहीं कर सकते, किसी को वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, तो नए वीज़ा वाले भैया वेट करना पड़ेगा। ये 3 न्यूज़ मैंने बता दी, आप आगे सुन लीजिए। सरकार ने साफ बोला है, मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय ने भी ये बोला है कि भाई हमारे रेजिडेंशियल नियम लागू किए जा रहे हैं, और ये नियम अभी तो घोषणा ही हो रही है, ये करेंगे वो करेंगे, लिखित में
जो मुँह से बोलते हैं उसको लिखित में भी तो होता है ना, वो फाइनल रिपोर्ट हो जाती है। उसमें हो सकता है कुछ काट छाँट हो जाए, कुछ सहूलियत मिल जाए, कुछ कोटा से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड वगैरह वगैरह, सैलरी से रिलेटेड, लेबर लॉ चेंज हो जाए, तो वो मुझे लगता है 2021 में जनवरी तक ही लागू हो पाएगा। आगे सुन लीजिए, वीज़ा शुल्क में होगी वृद्धि। जी हाँ साथियों, वीज़ा की रेट को सरकार बढ़ाने जा रही है। आज तक आपने विजिट वीज़ा, परमिट वीज़ा, वर्क परमिट, रेजिडेंशियल, कोई भी वीज़ा जो लिए थे, अब रेट यहाँ पे नहीं दी गई है कितना पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन वीज़ा महंगे होंगे कुवैत के, ये बात हमेशा ध्यान रखें। 12 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक मंत्रालय ने जो घोषणा की उसके हिसाब वीज़ा फीस में वृद्धि होगी। कितनी होगी ये आगे वाले आने वाले टाइम पे पता लगेगा। और कुवैत का वीज़ा तो भाई ऐसे ही महंगा ही था, और कंट्रियों के बजाय उसको और महंगा कर दिया जाएगा। अवैध निवासी हैं जो कुवैत में बैठे हैं, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, फिर आपको रिपीट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास दोबारा एक मैसेज और आ रखा है। 1/1/2020 तक जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए वो देश छोड़ के नहीं जा रहे हैं, उनको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो एक्ट धारा 7 में ये इलीगल मामला बनेगा। जी हाँ, जो भी कोई रेजिडेंशियल वीज़ा, जो भी कोई रेजिडेंशियल कानून का उल्लंघन करता है उस पर एक्ट 7 की धारा लगेगी। उससे निर्धारित शुल्क दंड के रूप में शुल्क लिया जाएगा, यानी जुर्माना लिया जाएगा। नहीं सकता कुवैत में, देश निकाला दिया जाएगा, नहीं देश से निर्वासन के तौर पे उसको निकाल दिया जाएगा। दोबारा मत आना भाई हमारी कंट्री में, फिर से लौटने की अनुमति नहीं होगी। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, जो इलीगल हैं निर्धारित समय में वापस आ जाएं, फायदे में रहोगे। जैसे लोग दुबई से आ रहे हैं, यहाँ पे सरकार ने एक अच्छी न्यूज है कि पिता का जो वीजा है वो वीजा 20 में रखा है, माता का जो वीजा है वो 18 में रखा है। यानी ये अच्छी न्यूज है, ये 7 में से रिलेटेड है, इनको आप ये वीजा की डिग्री थोड़ा सा चेंज कर दिए, इनको आप अपने साथ में मदर एंड फादर को रख सकते हैं, ये अच्छी न्यूज है। इसमें वीज़ा 20 और 18 की कैटेगरी इनमें दी गई है। अभी सरकार ने तैयारी कर ली है बड़े स्तर पे कि जो इलीगल वर्कर हैं समय पे नहीं निकलेंगे उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, मुकदमा लगा के जेल में डाला जाएगा अगर वो कहना नहीं मानते हैं सरकार का। तो भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं सख्त हो जाइए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग विदेश अपनी कंट्री बैठे हैं उनका वीज़ा डेट नहीं बढ़ेगी। जो छुट्टी आए थे, छुट्टी पूरी हो गई, वो वीज़ा कैंसिल माना जाएगा। जो इलीगल हैं उनको देश छोड़ने के लिए सरकार ने बोला है। बस ये अपडेट थी, यानी 5-6 अपडेट हैं भैया, ये सब के सब माइनस में अपडेट हैं। आप लोगों के लिए एक सोचने की और विचारने की बातें हैं, थोड़ी टेंशन वाली बातें हैं, लेकिन भाई क्या करें, जो न्यूज़ है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि जैसे कोई नई अपडेट आती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।